तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पे खड़े होके तो डूबा नहीं जाता। वाकई जनाब, राजस्थान की राजनीति में पिछले करीब एक सप्ताह से जो सियासी तूफान आया हुआ है वो काबिले गौर है। कुछ दिनों पहले कहीं से सुर्री छूटी थी कि अब सूबे में नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसके बाद बस अब तो हालात ऐसे मानो कर्फ्यू के बाद लंगर खुला हो। अब यूं तो पिछले साल से ही ये मांग की जा रही थी कि राजस्थान में माननीय मंत्रियों का कुनबा बढ़ना चाहिए। आस पड़ोस वालों की भी मांग थी कि उस कुनबे में उन्हें भी शामिल किया जाए। कुछ इसी तर्ज पर इन साहब ने भी अपने रंग दिखाए थे, कुछ अपनों को साथ लेकर जयपुर भी छोड़ दिया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी मिला कुछ नहीं। जो था वो भी चला गया और नजरों में भी आ गए। बहरहाल आज इनकी कहानी के साथ ही कुछ और नेताओं पर भी चर्चा होगी, बस आप शामिल रहिए और फिर देखिए कि आखिर तस्वीर कैसी है। जनाब अब एक साल छोड़ दीजिए, बीच बीच की नाराजगियों को भी दरकिनार कर दीजिए, बस पिछले 7 दिनों पर ही आ जाइए। दरअसल राजस्थान में एक बार फिर आग लगी करीब 7 दिन पहले। इन महाशय का इंटरव्यू जब अखबार में छपा तो फिर सियासी झील की मछलियों में हलचल मचनी शुरू हुई। अब यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में जुटा था, कोई इधर चला कोई उधर चला, बस चाल शुरू हो गई। 10 जून की वो तारीख थी जब इनके बंगले पर हलचल मची थी, कई कयास शुरू हो गए। आखिर साहब पब्लिक है, कुछ भी सोच सकती है, और इसके बाद लगातार आगे भी तस्वीरें सामने आती रही। किसी ने इनकी तारीफ की तो कोई इनकी जी हजूरी में कशीदे पढ़ने लगा। ट्विटर पर भी सियासी जंग छेड़ी गई। कुल मिलाकर कहानी के पन्ने पलटते गए और अभी तक वो किताब पूरी ना हुई। और अब एक नई किताब सामने आ गई। पहले ये हाथी की सवारी किया करते थे, लेकिन बाद में हाथी रास नहीं आया तो हाथ थाम लिया। अब जब सियासी हलकों में चर्चाएं शुरू हुई कि कुर्सियां बटने वाली है, तो फिर इन्होंने भी दहाड़ना शुरू कर दिया। जनाब कहे तो यहां तक डाला कि अगर वो इनके साथ नहीं होते तो अब तक तो सरकार की पहली पुण्यतिथि हो चुकी होती। हम नहीं होते तो सरकार की प्रथम पुण्यतिथि होती। आज एक बार फिर मीटिंग हुई, यहाँ फिर कह दिया गया कि मुर्गे ने जान दे दी, लेकिन खाने वालों को स्वाद भी नहीं आया। मुर्गे ने जान दे दी तो खाने वालों ने खा के मजा लिया। वाकई साहब, सियासी मुर्गे तो पहले ही हलाल हो चुके थे, लेकिन कुछ जान तो अभी भी बाकी है, और इसीलिए अब इन स्पेशल 6 ने यह भी चेता दिया कि कुछ करो, नहीं तो कुछ हो ना जाए। अब सूबे में नया कुछ भी नहीं है, बस सभी को चाहत है तो केवल एक अदद कुर्सी की। अब इन्हें ले लीजिए, ये पहले इनके साथ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन आज कई दिनों बाद प्री मानसून की बारिश की तरह, या यूं कहें बिन बुलाए मेहमान की तरह अचानक सामने आ गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अब ये भी सामने आएंगे, क्योंकि इस सियासी फिल्म में अभी इनका कोई किरदार भी नहीं था, लेकिन आ ही गए। इन पर पूरा भरोसा जता दिया, शायद चाहत यही कि उनका पैगाम बड़े साहब तक पहुंच जाए और कुछ भला हो जाए। उद्धव जी के तो उनसे सुपर है, वो मुख्यमंत्री है तो उनको नेता तो मानना ही पड़ेगा। और इन्हें तो आप पहले से ही बखूबी पहचानते हैं, ये फिलहाल लगता है 2 नावों पर सवारी कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ मिलेगा वो तो इन्हें भी पता नहीं। खैर कुर्सी की चाहत में अब तो सभी सपने देख रहे हैं, लेकिन सुनने में आया है कि कुर्सी देने वाले हमारे सूबे के मुखिया फिलहाल अगले 60 दिनों तक सीधे तौर पर किसी से मुखातिब भी नहीं होंगे। आखिर डॉक्टरों की राय है तो माननी भी पड़ेगी और माननी भी चाहिए। अब हिसाब लगाइए करीब 15 अगस्त तक का, फिर कहीं ऐसा ना हो कि पंचायत चुनाव का ऐलान हो जाए। भाई फिर आचार संहिता भी तो लग जाती है, फिर चुनाव होंगे, जनाब सर्दियां भी आ सकती है, और फिर ऐसे मौसम में तो बस चादर में ही मुंह छुपाना जरूरी हो जाता है, और फिर पता नहीं कुर्सी का कि उसका रंग भी पहचाना जाए या नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इन 2 महीनों में ही कुर्सियों का बंटवारा भी हो जाए, अलग अलग मोहल्लों से कुछ को कुर्सियां थमा दी जाए, कुछ अपने पास बचाकर रख ली जाए, और फिर अगर दूसरा कोई शोर हो तो अगले सेशन का भरोसा दे दिया जाए। बहरहाल कहानी पूरी सियासी है, और सियासत में क्या हो जाए कुछ पता नहीं। आखिर यही तो कहते हैं कि सियासत में जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। राजनीति में थोड़ा सा जो दिखता होता नहीं, जो होता वो दिखता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।